ये बाइक मेरे पास 5-6 दिन रहेगी, तो जिसमें मैं अच्छे से इसका रिव्यू दूंगा आपको, कोई कमी पेशी लगी तो वो बताऊंगा आपको इसकी, और जेन्युइन होगा जो भी होगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज मैं जा रहा हूँ मालवीय नगर। तो मेट्रो से जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम है, आपको भी थोड़ी देर से टाइटल से भी पता लगी क्या होगा, बट अभी मैं जा रहा हूँ मजेंटा लाइन पे और ये नया मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही प्यारा बनाया, एक बार देखो कितना अच्छा काम किया हुआ वॉल्स के ऊपर, और थोड़ा देर दिखाते हैं ये वाला आपको मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमारे को जाना होगा हॉस्कर, उसके बाद वहाँ से पकड़नी होगी मालवीय नगर के लिए। हम पहुँच चुके हैं सिलेक्ट सिटी वॉक और यहाँ से इसके बैक साइड पे शोरूम, हम पहुंच चुके हैं शोरूम के अंदर और यहां से ले रहे हैं हम हिमालय BS4। चलिए बाहर खड़ी है, बाइक रेडी हो चुकी है, उसकी डिलीवरी लेते हैं और चलते हैं यहां से, बाइक पे मिलते हैं अब सीधा। तो हम जा रहे हैं यहां से बाइक लेके, तो ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। सर क्या नाम है आपका? जगदीप शेरावत, ऑल द बेस्ट। सर आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खतरनाक लग रही है। थैंक यू। और ये आपके बेटे हैं? ये बेटे हैं। आपका नाम? राहुल। राहुल, ओके, नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर विशाल। चलिए चलते हैं अभी। ओके, सारी ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, लाइफ में आगे बढ़ो। अरे वाह यार, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को, ये चाहिए थी। तो ये भाई की बाइक है यार, काफ़ी अच्छी लग रही है, इनको मैं बोलूँगा नेक्स्ट टाइम मेरे को टूरिंग के लिए। अरे नहीं नहीं चलेंगे, कर कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, पक्का चलेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने जाना है ज़रा बाहर। वाह, तो गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी है, ये गाड़ी एक नंबर, आई लव दिस कार। समय मिला या कभी मौका मिला तो इसका ज़रूर रिव्यू बनाऊंगा यार, कार बहुत मस्त है, आई लाइक इट, बहुत अच्छी गाड़ी है। देखते हैं कभी मौका मिला तो इसका वीडियो बनाएंगे, अभी तो चलते हैं। और मेरे को यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अब राइड्स की वीडियोज आने लग जाएंगी, बिकॉज सेटअप पूरा सेट हो गया, एक दो चीज़ों की कमी है, वो भी जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो मेरे को बताओ अब आप कहाँ का जाते हो राइड, बिकॉज बाइक भी है अभी हमारे पास, स्कूटी भी है हमारे पास, ये बाइक मेरे पास 5-6 दिन रहेगी, तो जिसमें मैं अच्छे से इसका रिव्यू दूंगा आपको, कोई कमी पेशी लगी तो वो बताऊंगा आपको इसकी, और जेन्युइन होगा जो भी होगा, कोई फेक नहीं होगा, कमी पेशी लगी अगर आपको भी लगती है, अगर आपके पास ये बाइक है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नए वाले BS4 इंजन में जो इन्होंने अपग्रेड करके बनाई है थोड़ी सी, तो उसके बारे में बताइए कैसी लगती है आपको। गाड़ी चला के सीरियसली फील आ रही है, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ मैं एक्चुअली, मैं इतने लॉन्ग ड्राइव पे, और मैं जानबूझकर छोटे पैचेस में भगा के देख रहा हूँ कि गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, बिकॉज यही चीज़ें मेन होती हैं जो कि हमारे को नोट करनी होती है राइट ड्राइविंग के टाइम पे। इम्प्रेसिव।
दोस्तों इसका डिजिटल कंसोल दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये भी। और जो स्पीडोमीटर दिया है ये रहा आरपीएम मीटर, यहाँ पे इसका आपको दिखाएगा डिग्रीज में, डायरेक्शनल कंपास है और यहाँ पे फ्यूल गेज है। और जो डिजिटल कंसोल है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं इन्होंने, कि इंजन का टेम्परेचर बताएगा आपको, राइट नाउ है 51 डिग्री सेल्सियस, एंड जो किलोमीटर की ट्रिप बता रहा है और टाइम बता रहा है, टाइम अभी प्रॉपर सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और गियर की शिफ्टिंग बता रहा है, ये बहुत मेन बात होती है, बिकॉज काफ़ी टाइम जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं हमारे को पता नहीं होता हम कौन से गियर में चला रहे हैं, तो वो भी ये बताता है। और आप लोगों से एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि आप मेरे को ऑडियो क्वालिटी बताइएगा कैसी आ रही है, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही, बिकॉज इस टाइम पे 80 पे हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा। और सीट की बात करते हैं इसकी, तो सीट बहुत ज़्यादा इसकी सॉफ्ट है और इम्प्रेसिव है, मतलब मेरे बट को कोई दिक्कत नहीं आ रही, नो इफ नो बट, ओनली खींच दे जट, क्या बात है। तो यार सीरियसली मेरे को जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, जो कुशनिंग है इट्स लाइक जेल, बट जेल नहीं है मुझे पता है, बट सीरियसली बहुत सॉफ्ट है, जो कि राइडिंग के टाइम पे काफ़ी आपको हेल्प देती है। एक जो हमारा बैठने का तरीका होता है उसको मेंटेन रखती है, अगर वो थोड़ा सा हार्ड हो तो एट दैट टाइम हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो बस बार बार हम अपने आप को सेट करते रहते हैं, बिकॉज पेन होने लग जाता है नीचे वाला पोर्शन, बट इसमें वो मेरे को फील नहीं हो रहा अभी छोटे से पैच में ही। एंड राइट नाउ मैंने काफ़ी टाइट जीन्स डाली है जिसकी वजह से भी मेरे को फील नहीं हो रहा, अदरवाइज कोई और नॉर्मल में जैसे अपनी स्कूटी पे बैठता हूँ तो मेरे को काफ़ी हार्ड लगता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। मौसम ठीक है, और गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है गाड़ी की। ओके, टर्निंग भी ठीक है ट्रैफिक के अंदर, देख रहे हैं निकाल के, अरे वाह नाइस, निकल जाती है आराम से, सही है, ऐसी एक्सपीरियंस होगा। गर्मी बहुत है यार हेलमेट के अंदर, क्योंकि वाइजर बंद करा होता है तो पसीने तगड़े आ रहे हैं अंदर। ओके ट्रैफिक के अंदर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है गाड़ी की। और गाइस एक बार दोबारा बोलना चाहता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज काफी अपडेट्स वहाँ पे जल्दी आती हैं, और कहीं भी मैं टूर मारूंगा तो वहाँ पे अपडेट पहले आ जाएगा, यूट्यूब पे बहुत लेट आता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस टाइम पे स्क्रीन पे भी हैंडल आ रहा है मेरा, vbo.vlogs, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, vbo.vlogs। बहुत इजी है, वहाँ पे फॉलो कर लो, मेरे से चैटिंग करना चाहते हो चैटिंग कर सकते हो आप वहाँ पे, एंड लाइव भी आता हूँ मैं तो काफ़ी बातें करते हैं वहाँ पे, और कनेक्शन और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी जा रहा था तो मेरे दोस्त मिल गए मेरे को, ये भाई साहब पहले अपना पटका ठीक कर रहे हैं। सरब जी रात तो डाले, और रवि जी क्या हाल है भाई साहब, इनको प्यार से हम मिक्की बुलाते हैं, तो जरा इनसे बातें करते हैं, कुछ राइड का इनसे भी प्लान कर रहे हैं, अगर बनता है तो ये भी साथ में चल लेंगे। तो चंडीगढ़ हमारा जाना फाइनल हो चुका है 16th 6 2018, जो कमिंग सैटरडे है उसको मॉर्निंग को हम 6 बजे निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से। पूरी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलती रहेंगी रेगुलर, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और इस टाइम पे स्क्रीन पे भी हैंडल आ रहे होंगे,
तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे या पहुँचेंगे तो इंस्टाग्राम पे पहले अपडेट मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू। ये दो वीडियोस को देख लेना जो साइड में आ रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय।